साथ देते हैं? कीचक, हम दोस्त आपस में हॉकी खेल रहे हैं, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? ये मैदान तुम्हारे अकेले का नहीं, यहाँ हम भी खेल सकते हैं। पर पहले हम आए। लो खेलो। जाने दो राजू, चलो हम लोग खेलते हैं। ये क्या? खेल क्यों बिगाड़ रहे हो? बॉल से मेरी ताश की प्लेटें और कटोरियाँ किसने तोड़ी? इस कीचक ने तोड़ी। अब खेलने की बारी हमारी है। तुम मेरी बात सुनो। लेकिन हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पर हमारा शुरू हो गया है। बस करो, तुम्हें खेलना है? हाँ। भीम, तुम्हें भी खेलना है? हाँ। तो फिर तय है तुम दोनों टीम्स शाम 4 बजे आपस में मुकाबला करोगे। जो जीतेगा अगली बारिश तक ये मैदान उसका। मंजूर है। हमें भी। अभ्यास करो। भीम की हार देखने के लिए तो मैं खुद मैदान में आऊंगी। ये तो कोई जादुई हॉकी स्टिक मालूम होती है। तुम हॉकी खेलने से मना कर दो। पर हार की सही गलत का फैसला करेगा कौन? तुम्हारी उम्र में मैं अपने स्कूल की हॉकी रेफरी हुआ करती थी। इस खेल की रेफरी मैं रहूंगी। दोनों टीम्स तैयार है? ये लो चुप्पी। पकड़ो चुप्पू। करना पड़ेगा जिससे इनकी उछलती हॉकी की हवाई निकल जाए। हाँ, इन उछलते पहलवानों को धोबी पछाड़ने का तरीका मिल गया। बड़ा ऊंचा उड़ने का शौक है ना? अब इनकी पतंग काटते हैं। चलो। मुकाबला मुश्किल था भीम, पर तुम जीत गए। इस खुशी में तुम सबको मेरे घर पर खाने की दावत। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी, बहुत भूख लगी है। अरे क्या खुशबू है! हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांट देती हूँ। मैं चलता हूँ। बाकी सब कहाँ है? हाँ? आप इसका नाम भी जानते हो? कालिया, चुप रहो। ये कोई ज्ञानी साधु महाराज लगते हैं, जिन्हें हम सबके बारे में पता है। जरूर ये हमसे कोई मदद मांगने आए हैं। अरे नहीं, मैं साधु बाबा, बाकी सब तो बाजार गए हैं और भीम अच्छी परी के घर गया है। हाँ, वो
और तुम्हें ये हुआ क्या है? और मेरा हलवा कहाँ है? पता नहीं कालिया, मैंने जब से वो हलवा खाया तभी से पेट में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और तब से ये दाढ़ी। लगता है बुरी परी का जादू असर कर रहा है। हमें जल्दी से अच्छी परी के पास जाना चाहिए। अच्छी परी? अच्छी परी, आप भी? अरे पर ये हुआ कैसे? मैंने हलवा बनाते समय भीम से गुलाब जल मांगा था, पर उसने गलती से मुझे ये पोषण दे दिया जो मैंने हलवे में मिला दिया। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? हाँ है, हजामती सूप, लेकिन उसकी रेसिपी जिस किताब में लिखी है वो मुझे मिल ही नहीं रही। तो वो किताब हम ढूंढते हैं। पर तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर सूरज डूबने से पहले हमने वो सूप नहीं पिया तो हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा। उस सूप के लिए सिर्फ एक ही जरूरी चीज है जो मुझे याद है, अश्वगंधा के फूल। वो तो पास वाली पहाड़ी पर मिलेंगे। दोस्तों मैं फूल ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तुम लोग किताब ढूंढो। मुझे पता था कि तुम यही आओगे भी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। सारा सूप खराब हो गया और अब फिर से सूप बनाने का समय भी नहीं है। सारा नहीं, अभी भी थोड़ा सा सूप बचा है। क्या बात है कालिया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दोस्ती की खातिर कुछ भी कर सकते हो। वो तो भीम और अच्छी परी को दाढ़ी मूछ में देखकर जरा सा डर लगता है। जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। अब पहली बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ऐसा मत बोल राजू, बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, खड़े मजे करके करो। ये कोई सिद्धियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू, तुम सब भी। सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये
सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ। महाराज, गोलमपुर में बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों चलो। आओ इंद्र वर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। बुढ़ापे ने मेरा मुक्का भी कमजोर कर दिया है। इंद्र वर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा, बताओ क्या चाहिए। मैं कल आऊँगा। मेरे पास एक तरकीब है। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। और भी? रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो भीम। अरे ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। बोलो सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास मेला है। मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन बीच जंगल में मेला कैसे हो सकता है? मेला बड़ा शानदार है, लेकिन ये शलाका है कौन? मैं हूँ शलाका। मिठाई मेले में तुम्हारा स्वागत है मेरे रसगुल्लो। शलाका के मेले में स्वागत है तुम्हारा। चलो मैं तुम्हें मिठाई मेले की सैर कराती हूँ। टू ट्रेल में सवार हो जाओ बच्चों, चलो चलो। चलो दोस्तों, रेल की जलेबी हमारा इंतजार कर रही है। भरा है ये मेला हमारा।
क्या स्वादिष्ट खीर है। तो खीर को मेरे सिर से नहीं कटोरी में डाल के खाओ कलिया। शलाका, ये मेला तो हर बच्चे के सपनों का मेला है, पर यहाँ और बच्चे क्यों नहीं हैं? ओ मेरे शक की श्रीखंड, ये मेला आज ही खुला है और तुम सब मेरे पहले मेहमान हो, बाकी और भी बच्चे बस आते ही होंगे। मेले के पहले दिन पे जो आए हर सवारी का मजा पाए। शुक्रिया शलाका, जल्दी दोस्तों मुझे हर झूले पर बैठना है। लड्डू फंसा झूले पर बैठकर लड्डूओं के डिब्बों पर तीर मारो, जिस डिब्बे पर तीर लगा वो डिब्बा तुम्हारा। इसमें तो मैं जरूर जीतूंगा। लड्डू नहीं तो क्या हुआ, आज मैं भीम को फल मुकाबले में हराऊंगा। भीम कहाँ गया उस्ताद? लगता है हमें काम सौंप कर वो घर भाग गया होगा, मगर भीम तो ऐसा नहीं करेगा। बातें बहुत हो गई, अब इन्हें लेकर जग्गू के घर चलते हैं। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके, लेकिन मिलता क्या है? इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम, अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कैसी लग रही है? अरे वाह चुटकी, इस तस्वीर से तो दावत में चार चांद लग जाएंगे। हाँ मगर हमारे चार यार कहाँ रह गए? क्या हुआ जग्गू? एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। ये भूल जा मेरे से, भूल जा। तो? ये खाने वाला इंसान दो दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। कोई नहीं, ना 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 ना। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम हा? वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो या मौसी के यहाँ लड्डू लेने भी जा सकता है, ऐसे तो वो कहीं भी हो सकता है। भीम अभी तक
आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे। बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था, चोर तो भाग गया था, लेकिन ये कुर्सी मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गई? अरे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कोई मायावी कुर्सी लग रही है, सब पीछे हट जाओ। कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादू की कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। लगा के मैं फिसल नहीं रहा हूँ, तेल लगा के। माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। चलो खेलते हैं। इस पर जबरदस्ती मल बैठो। गलती के लिए माफी मांग रही है। क्या मैं बैठूं? आप सब कौन हैं? मैं हूँ एक प्रतिभाशाली सुतार और ये मेरे कारीगर हैं। एक रोज हम लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे थे कि तभी एक ऋषि मुनि ने हमें पेड़ काटने से मना कर दिया, लेकिन हमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया भी काट दिया। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, फिर उन्हें श्राप देकर हम सब फर्नीचर बनाया और मेरे साथी तुम सब के लिए एक एक कुर्सी बनाकर तुम्हें भेंट करना चाहते हैं, और वो भी पुरानी लकड़ी से बना। मैं अब किसी कुर्सी पर नहीं बैठने वाला, कहीं फिर से पकड़ लिया तो। एक बार फिर। बकवास पत्थर। कालिया, जल्दबाजी मत करो, धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा लकी पत्थर है। Oh!
कहाँ गया कहाँ गया? अरे ये क्या है? कालिया तुम ठीक तो हो? अरे ये सिपाही क्यों आए हैं? भीम महाराज ने आप सबको तुरंत महल में बुलाया है। ठीक है हम आ रहे हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम। महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट 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 की आवाज आती है। रसोई खजाना हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को ना लूट ले। महाराज आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ पिताजी, और इस सब में मैं इनकी मदद करूँगी। चतुराई से जाल बिछाना होगा। जैसे मुझे और ढोलकपुर के लोगों को चैन की नींद आएगी। उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज ये तो हमारा फर्ज था।